हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशवा एकेडमी, द रेशा चैंपियन। मैं एरिक विकास आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार आईआरटी पॉलिटेक्निक पार, और स्वागत करता हूं रेशवा एकेडमी के स्मार्ट क्रैश कोर्स में। गाइस, ये क्लासेस आपके आईआरटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए चलाई जा रही हैं, और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि क्या, कैसे, कितना आएगा, सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री है क्या, उसके बारे में जानेंगे। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे। शायद कैमरा थोड़ा सही नहीं था, अब फिर से सही हो गया है। तो बेसिकली ये क्लास इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि हम आपको सिलेक्शन दिलवा सके। और मैं बताना चाहूँगा कि बचे 2 मंथ आपके लिए गोल्डन नहीं, मेरे अकॉर्डिंग डायमंड अपॉर्चुनिटी है, आप इसको यूजफुल करें। कहते हैं कि ब्रह्मांड में 5 ही तत्वों से हर चीज मिलके बना है, उसी में हम रहते हैं, उसी से विलीन हो जाते हैं। कौन कौन से है, जैसे पृथ्वी हो गया हमारा, जल, आकाश, वायु, और आपका हो जाएगा 4 हो गए हमारे, एक और बचा है जो अग्नि कहलाता है, ठीक है। तो इन्हीं 5 से मिलकर हर एक चीज बनी है, और हम इसी में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु एंड डेट तक हम इसी में गोल गोल मूव करके रहते हैं। तो आप कहीं भी आप सुनिएगा कि इनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, कहीं भी बातें करते आपने सुना होगा कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। तो कहने का मतलब, केमिस्ट्री का मतलब बॉन्डिंग, उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसे वो बॉन्ड है, ऐसे वो एक दूसरे से कनेक्ट है कि उनकी केमिस्ट्री कही जाती है अच्छी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और उससे पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम स्टार्ट करेंगे उसका सिलेबस, देखेंगे सिलेबस क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो सिलेबस हमारा होगा किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री सिलेबस, फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आता है हमारा विज्ञान एवं रसायन, दूसरे नंबर पे आता है द्रव्य, दूसरे नंबर पे क्या आता है फ्रेंड्स, द्रव्य, और तीसरे नंबर पे आता है रासायनिक संयोग के नियम। और चौथे नंबर पे है आपका परमाणु, ये हमारा 4th नंबर पे क्या, परमाणु संरचना। इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर को, रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। 6 जो चैप्टर है 6 नंबर का, संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन। सातवें नंबर पर है रसायन की भाषा, क्या मेरे फ्रेंड्स, रसायन की भाषा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 8वें नंबर पे चलते हैं, देखते हैं कितने चैप्टर हैं। अब हम 8वां नंबर देखते हैं क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं और
9 नंबर पे हमारा क्या है आपका रासायनिक गणना। पहले हम चैप्टर देख लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कितने समय में कितना हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसलिए ये बताना जरूरी है आपको। 10 नंबर पे है हमारा गैसी नियम। 11 नंबर पे क्या है हमारा वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। और 12वें नंबर पे है अम्ल क्षारक, अम्ल क्षारक तथा लवण। 13 नंबर पे क्या है कि बिलियन सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन बिलियन। क्लियर आ रहा है मेरे फ्रेंड्स? बिल्कुल आना चाहिए आपको, एक एक चैप्टर से क्लियर कराया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। 14 नंबर पे हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, ठीक है। 15 नंबर क्या है हमारा, 15 नंबर पे कौन सा आएगा धातु अधातु एवं धातुकर्म मेटलर्जी। तो मैं फिर से कहा फटाफट आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें आज लेक्चर भी पढ़ना है। 16 नंबर क्या है मेरा फ्रेंड्स, जल एवं जल की कठोरता। और 17 नंबर पे है हमारा प्रमुख, क्या प्रमुख गैसें, इसमें गैसों का अध्ययन करेंगे हम। 18वां नंबर पे है महत्वपूर्ण लवण। और 19वें नंबर पे हमारा क्या है ईंधन फ्यूल। और 20 नंबर पे क्या है हमारा कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों एवं सॉरी का वर्गीकरण एवं नामकरण। इसमें हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, एथीन एथाइन इत्यादि सब पढ़ेंगे और उसका वर्गीकरण एवं नामकरण देंगे, ठीक है। कौन कौन से कैटेगरी के हैं आइए 21 में है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, लिखिए फटाफट फटाफट नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। 22 नंबर देखते हैं क्या है हमारा, 22 नंबर हमारा है कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान कैसे करेंगे एवं उनका मात्रात्मक अवकलन, ठीक है। 23 नंबर पे हमारा क्या है औद्योगिक, 23 नंबर पे औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। 24 क्या है विश्लेषिक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये दोनों थोड़ा अलग सी ब्रांचेज हैं हमारी, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो में बताऊंगा कि क्या होते हैं।
ये सब ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की। अब देखेंगे स्टार्टिंग से, अब हम थोड़ा साइंस के बारे में जानते हैं। क्या साइंस? तो आधुनिक युग अकॉर्डिंग टू एवरी वन या मी, हमारे द्वारा विज्ञान का युग है। एम आई राइट फ्रेंड्स? आधुनिक युग विज्ञान का युग है क्योंकि मानव जो है अपने चारों ओर की वस्तुओं चीजों आदि के बारे में जानने की क्या है, जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है। तो जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई ना, साइंटिया से हुई। किससे हुई? साइंटिया से। साइंटिया, विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति साइंटिया से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? जानना। क्या? जानना। मतलब जो मानव है अपने आसपास की जो वस्तुओं हैं उनके बारे, वस्तुएं में कुछ भी ले लीजिए आप, पेड़ पौधे, वातावरण, पर्यावरण इत्यादि जो भी, उनके बारे में साइंटिया करने के लिए जानने का जिज्ञासा रखता है। ठीक है ना मेरे फ्रेंड्स? तो इसी के लिए मानव ने बहुत पहले से ही क्या, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने बहुत सी परीक्षणों के रिजल्ट को क्या किया, व्यवस्थित किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, तब जाके हम उनके बारे में जाने ये ऐसे होता है तो ये ऐसे। तो डेफिनेशन क्या निकलेगा मेरे फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन क्या निकलेगा? विज्ञान जो होता है मानव द्वारा प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार और सुनिएगा कि मानव द्वारा प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को विज्ञान कहते हैं। एक और डेफिनेशन जानेंगे, एक डेफिनेशन और जानेंगे क्या, कि किसी तथ्य को क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हमने आपको दो डेफिनेशन बताया, दोनों आप जानेंगे। स्टडी जो है थोड़ी रहेगी नहीं चलेगा, ज्यादा रहेगा चलेगा। तो आप दोनों डेफिनेशन कहीं भी दे सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का डेफिनेशन। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की बनावट, संगठन, गुण तथा उनमें होने वाली रिएक्शन प्रतिक्रियाओं के में परिवर्तनों का अध्ययन करते। एक बार फिर से सुनिएगा फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की बनावट, संगठन, गुण, धर्म और उसमें होने वाली प्रतिक्रियाओं के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ सब ब्रांचेज हैं, कुछ मेन ब्रांचेज हैं। तो हम मेन ब्रांचेज को देखेंगे कि क्या होता है। तो लिखिए आप कि मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के शाखाएं हैं। तो पहला है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन यानी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा क्या है? कार्बनिक रसायन। अभी मैं आपको फ्रेंड सबके बारे में डिफाइन करूंगा, बताऊंगा। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम से कुछ तो पता चल रहा होगा आपको। तीसरा क्या है? भौतिक रसायन, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स,
और आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको डिफाइन करता हूँ एक एक करके। आप अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो हम डेफिनेशन पे चलते हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो मेरे फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान की इस शाखा में तत्व एवं उनके यौगिकों के बनाने की विधियां, गुणधर्म, संरचना, उपयोग का अध्ययन करते हैं। फिर से सुनिएगा, क्लियर ना हो तो क्लियर करके जाइए, अगर ऐसे छोड़ेंगे तो कभी क्लियर नहीं होगा। और ऐसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि क्या कैसे होता है, किसका डेफिनेशन ये होता है, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे रेज होगा यहाँ से। तो डेफिनेशन क्या हुआ अकार्बनिक रासायनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि इसमें तत्व एवं उनके यौगिक के गुणधर्म, संरचना, प्रयोग, बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कार्बनिक रसायन, नाम से क्या है कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स मेरे, कि इसमें कार्बन के जटिल यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की बनाने की विधियां, संरचना और उपयोग का अध्ययन हम इसमें इस ब्रांच में करते हैं, ठीक है। और एक बचा हमारा लास्ट क्या, भौतिक रसायन। तो देखिए होता क्या है, रासायनिक विज्ञान के नियमों और परिस्थितियों, जो हमारे नियम से होते हैं और परिस्थितियां होती, विशेष स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि यहाँ हमें कैटलाइट लगाना है, यहाँ इतने पे टेम्परेचर होना चाहिए, तो इनका जहाँ अध्ययन करते हैं उसको करते हैं भौतिकी, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। तब देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे डायरेक्ट यहाँ पूछा जाता है, मैं एक लाइन में बस बताऊंगा आपको, जैसे आपको डेफिनेशन दे देगा सीधे सीधे किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्या दे देगा डेफिनेशन, और चार ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे रहेगा ऑर्गेनिक, यहाँ इनऑर्गेनिक, यहाँ फिजिकल, यहाँ पे कुछ और दे देगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, इनऑर्गेनिक, ये ऑप्शन लगाना है। तो आपको वहां पे ऑप्शन तो लगाना है, एचबी पेंसिल से आपको इसको पूरा ब्लैक करके आना है। सीखते चलिए एक एक चीज है ताकि यहीं पे क्लियर हो जाए। अभी से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, होता क्या है ये मशीनरी द्वारा चेक होता है, तो आप अभी से प्रैक्टिस कर दे ऐसे बनाने की, ठीक है, ब्लैक करने का अभी से कोशिश स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बेनिफिट, आप फटाफट कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, सही होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर कार्बनिक रसायन का डेफिनेशन डायरेक्ट एक लाइन में दे देगा, फिर आपको ऑप्शन दे देगा, आप ऐसे करके आएंगे। ऐसे ही पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और विशेष परिस्थितियों का अध्ययन किस रसायन में किया जाता है, तो सीधे सीधे बोलेंगे भौतिक रसायन। तो पता चला ना आपको कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कैसे रहा है? क्वेश्चन आपका यहीं से उठेगा, यहीं से उठेगा मेरे दोस्त। केमिस्ट्री का डेफिनेशन तो पूछ नहीं सकता, लेकिन पूछ भी देगा तो आप करके आइए। इसीलिए मैं टॉपिक वाइज एक एक चीजों को क्लियर करते चल रहा हूं, ताकि आप कहीं भी दिक्कत में ना पड़े। अगर बेसिक रूप से एक्चुअल में देखा जाए तो हम केमिस्ट्री से क्या है, सराउंडेड है, घिरे हुए हैं। कहते हैं कि जैसे सुबह मॉर्निंग उठते समय चाय, चाय क्या होता है, दूध, पानी और चाय पत्ती का एक मिश्रण है ना। तो सुबह मॉर्निंग से लेकर रात को सोने तक का हम क्या है, H2O पानी, जो रात में हम पीते हैं, घिरे हुए हैं। यानी केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस है कि पूछिए मत। कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें मिल जाए उसी जैसा। तो पानी ऐसा है कि जिसमें मिल जाएगा उसी जैसा हो जाता है। तो हम बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको। जो इंपॉर्टेंस आपका केमिस्ट्री का है, कहते मानव जीवन को सरल,
सुखमय और आनंदित बनाता कैसे, देखिए होता क्या है, खाद्य पदार्थ अचार को हम बहुत एंजॉय करते हैं, कभी कोशिश किया कैसे बनता है दही कर्ड, कभी ट्राई किया, कभी सोचा उसके बारे में, नहीं सोचा तो सोच लिया, आज सोचे हैं तो अच्छी बात है। यानी खाद्य पदार्थ हमारे जो होते हैं अचार दही और भी ले सकते हैं चीजें जो बनती हैं, इसमें क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और देखिए जैव उर्वरक क्या होता है कि हम फसलों को अच्छे उगाने के लिए, यानी हम चाहते हैं कि हमने जितना लगाया है बहुत ही ज्यादा अन्न पैदा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, तरह तरह की एनडीपी डालते हैं और भी चीजें हम उसमें डालते हैं, एनपीके डालते हैं, तो उसमें भी तो हमारा रासायनिक का ही इंपॉर्टेंस आ रहा है। दे रिएक्शन एज ए केमिकल, वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल के जैसे, यानी रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं उससे मिलके मिट्टी में जाके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है BHC, ये भी एक इंपॉर्टेंस है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, और मैं बता दूं आपको कि 2008 आप पता कर लीजिएगा चाहे ढूंढ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म BHC, इसका फुल फॉर्म मैं बताना चाहूंगा फिर फ्रेंड्स, बेंजीन, बी से आपका हो जाएगा बेंजीन, एच हेक्सा, सी से क्लोराइड। अब देखिए हम पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। BSc पूछा था 2008 में, इसका फुल फॉर्म बताइए, तो चार ऑप्शन दे रखे थे ऐसे करके, तो जहां आपको मिलेगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड आप टिक करके चली आएगा, आपका 4 मार्क्स 4 नंबर क्लियर है। फ्रेंड्स जैसे मैंने मेन ब्रांचेस बताया था केमिस्ट्री की शाखाएं, अब सब ब्रांचे उप शाखाओं को देखेंगे, क्या सब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री यानी उप शाखाएं हम देखेंगे। अंग्रेजी लिख रहे हैं इसका मतलब नहीं इंग्लिश में लिख रहे हैं तो घबरा जाएगा, नहीं वो आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट है, आगे चल के बहुत ही काम देने वाली है, तो आप इस पे भी फोकस करते रहे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जिस टॉपिक को समझाऊंगा वहां से क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कैसे दे रहा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में वहां से पूछेगा तुरंत बताते चलता हूं, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब देखते हैं पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे है हमारा वैश्लेषिक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहां से भी मेरे फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं, इसकी डेफिनेशन पता है, आप आंसर दे के आएंगे। इसका आंसर डेफिनेशन क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान की इस शाखा में हम पदार्थों की पहचान तथा उसकी मात्राओं में क्या आ जाएगा, मात्राओं में संगठन आयतन एवं द्रव्यमान। फिर से देखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की पहचान और उनकी मात्राओं संगठन आयतन एवं द्रव्यमान का अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी वैश्लेषिक रसायन। दूसरा हमारा जैव रसायन, इंग्लिश में कहते हैं इसको बायो केमिस्ट्री। इसका डेफिनेशन क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, इस शाखा के अंतर्गत मानव सॉरी सजीवों में होने वाली
रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे पाचन हो गया हमारा, श्वसन हो गया आदि का, आदि घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहेंगे? जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम मानव यानी मानव भी उसी में आएगा ना सजीव में, तो उसकी पाचन श्वसन आदि घटनाओं का क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, एक क्वेश्चन चार नंबर। तीसरा है हमारा औद्योगिक रसायन। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि कांच बनता होगा, साबुन बनता होगा, पेंट बनता होगा इत्यादि, वर्निश बनता होगा। तो नाम से क्लियर है कि विज्ञान रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कांच, वर्निश, पेंट, साबुन, प्लास्टिक, सीमेंट इत्यादि के बनने की विधियों, नियमों और गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यानी मेरे फ्रेंड्स औद्योगिक रसायन। और यहां से भी आपका 4 नंबर्स बनेगा, क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स देके जाएगा। चौथे नंबर पे है हमारा नाभिकी रसायन। नाभिकी रसायन, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसका डेफिनेशन नाभिक के संगठन, नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा उनमें निर्मुक्त ऊर्जा। जब विस्फोट होता है तो ऊर्जा निकलती है, तो विर्मुक्त ऊर्जा, ठीक। तो कहने का मतलब यह है नाभिक के संगठन, नाभिकीय अभिक्रियाओं और उनसे विमुक्त ऊर्जा की मात्रा का अध्ययन इस सब कैटेगरी में, सब ब्रांच में हम करते हैं, उसको कहते हैं नाम की रसायन। पांचवे नंबर पे है हमारा युद्ध रसायन। नाम पे मत जाइए, इससे कुछ हमें सीखना है। युद्ध रसायन यानी वार केमिस्ट्री, ठीक है। तो वार केमिस्ट्री में क्या होता है, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले विस्फोट को, विषैली पदार्थों, गैसों, विषैली पदार्थ भी होते हैं गैसों का अध्ययन इसमें किया जाता है। उनका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, उनका अध्ययन इस शाखा में करेंगे, दैट इज कॉल्ड वार केमिस्ट्री। तो हम देख क्या रहे हैं कि हर शाखा में एक अलग चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी किसी में विस्फोट पदार्थों, विषैली गैसों, विषैली पदार्थों आदि का अध्ययन, किसी में हम जैव मनुष्य यानी सजीवों के पाचन श्वसन का अध्ययन करते आ रहे हैं। आइए एक और बचा देखते हैं, छठा नंबर क्या है, कृषि रसायन। सॉरी, इसके बाद एक और है कृषि रसायन। तो कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इसमें क्या करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि में प्रयुक्त तो होने वाले रसायन, विभिन्न रसायन का बनने, यूज यानी प्रयोग, गुणधर्म आदि का अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कृषि रसायन। अब हम पढ़ेंगे सातवें नंबर पे औषधि रसायन में, मेडिसिनल केमिस्ट्री। समझ में आ रहा ना मेरे फ्रेंड्स? अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, स्पेशली आपके लिए लेक्चर मैं लूंगा, स्पेशली आपको बताऊंगा उन चीजों को, क्योंकि हमारा मकसद ही है आपको समझाना। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो हमें कमेंट कीजिए, आप फोकस कीजिए चीजों को, क्योंकि हम वहां से क्वेश्चन भी रेज करते जा रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन भी बना रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं औषधि रसायन क्या होता है। औषधि जो होती है हमारे, उनके रासायनिक संगठन, जाहिर सी बात औषधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनके रासायनिक संगठन, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, यूज कैसे होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं का हम अध्ययन करें, कैसे रिएक्शंस करते हैं। तो इसी से क्लियर, नाम से ही क्लियर मेरे फ्रेंड
कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होता है उसमें हम औषधियों के गुणधर्मों बनाने की विधियों उनकी अभिक्रियाओं आदि का अध्ययन करते हैं। ये तो था मेरा पहला चैप्टर रसायन और विज्ञान। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है मेरे फ्रेंड्स, पहले ही मैं बताया हूं विज्ञान। क्या बताया था? विज्ञान। क्वेश्चन आप कर लेगा ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बस ऑब्जेक्टिव टाइप में कर देगा। आप उसे थियोरेटिकल पढ़ के ऑब्जेक्ट, आपको दिमाग लगाना अपना, आपके पास बहुत दिमाग है, आप उसका यूज कीजिए, वहीं से क्वेश्चन रेज करेगा। एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक पूछता है कि केमिस्ट्री के आधुनिक जन्मदाता कौन है। क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या आंसर लगाएंगे? ए लेवासियर। ये हमारे केमिस्ट्री के आधुनिक जन्मदाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, और बता दूं पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन, ये 2009 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इस पे फोकस जरूर कीजिएगा। और कहते हैं कि विज्ञान, विज्ञान सब कुछ है, केमिस्ट्री आपको 25 क्वेश्चंस यानी मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 100, तो ये आपको 100 मार्क ये रसायन विज्ञान देगा। तो क्यों नहीं हम इसको पढ़े भाई, क्यों नहीं फोकस करें। मैथमेटिक्स सिर्फ हम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पा सकते हैं, आईआरटी हो या पॉलिटेक्निक, हमें रसायन पे भी फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स की क्लासेस भी आप देखते रहिए, प्लेलिस्ट में हमारे पढ़ा है, आप उसकी क्लासेस भी लेते रहे हैं, टाइम से क्लासेस दी जा रही है, आप टाइम से उसका यूटिलाइज करें। और देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता, और ऑप्शन दे देगा 4 कि निम्न में से रसायन की मुख्य शाखा कौन है। तो मुख्य शाखा 3 ही है, कौन सा? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, ऑर्गेनिक, भौतिक यानी फिजिकल, और चौथा कोई ऑप्शन दे देगा जैसे वैश्लेषिक। तो पूछेगा क्वेश्चन देखिए कैसे रेज कर रहा कि इनमें से कौन सा मुख्य शाखा यानी मेन ब्रांच केमिस्ट्री का नहीं है, तो वैश्लेषिक। आंसर क्या होगा? वैश्लेषिक। तीनों तो है, एक नहीं है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है मेरे फ्रेंड, समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमें इन चीजों पर फोकस नहीं करना, हमें मजबूत बन के काम करना है, यानी हर एक चैप्टर को अच्छे से पकड़ रखनी है, कहीं से पूछे हम करके आएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, पूछता है केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, केमी शब्द से हुई है, तो ये जो शब्द है कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है मेरे फ्रेंड्स? मिस्र से लिया गया है। ये मिस्र की प्राचीन नाम है केमी, इसी से मिला है केमिस्ट्री। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।